हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू सक्सेस। गाइस, आज की वीडियो में आप लोग को पीवीसी मेटा टोकन का न्यू अपडेट, लेटेस्ट अपडेट जो है देने वाला हूं। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आगे मैं जैसे कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए गाइस, बिना देर किए शूट करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि गाइस आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से पर्लवाइन जो है अपना पीवीसी मेटा टोकन की फार्मिंग के लिए डेली जो है वैलेट में कुछ न कुछ अपडेट्स लेके आ रहा है, और इसी क्रम में सिस्टम ने आज एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है अपने पीवीसी मेटा के वैलेट में। सो उसमें क्या है, आपको कुछ पिन बनाने हैं और पिन के माध्यम से ही आपका जो पीवीसी मेटा का वैलेट है वो लॉगिन होगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे पिन बनाना है, कैसे लॉगिन करना है बताऊंगा। बट उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, अभी ये जो पीवीसी मेटा टोकन का जो फार्मिंग है, फार्मिंग में अभी बहुत कम समय बच गया है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 1 दिन 18 घंटा 23 मिनट बचा है, यानी 8 सितम्बर को पीवीसी मेटा लॉन्च हो रहा है, और इंडियन टाइम पे ये 4 बजे शाम के टाइम में, यानी कि 4:00 PM पे जो है सिस्टम टोकन फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहा है। सो आप सभी लोग गाइस, यदि आप इसके फार्मिंग के लिए रेडी नहीं हैं तो रेडी रहें, और जिनके वैलेट में अभी तक पर्याप्त जो है डीपी नहीं है, अपने वैलेट में डीपी लेके ज़रूर रखें जितना संभव हो सकता है। और जिस किसी भाई को डीपी लेना है तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से भी उचित रेट में जो है डीपी ले सकते हैं। और यदि कोई ऐसा भी भाई हो जो अपनी डीपी को सेल नहीं कर पा रहे हैं वो सेल भी कर सकते हैं। सो गाइस, आइए मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आप लोगों को ले चलता हूँ आज जो चेंजिंग हुआ है उस पे, क्या चेंजिंग हुआ है और कैसे जो है हमें पिन बनाना है, इसके विषय में आप लोगों को इस वीडियो में पूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आज जो है सिस्टम ने नई चेंजिंग लाया है। सबसे पहले वेलकम टू सीड फंडिंग, कनेक्टेड वैलेट बैलेंस। अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे कनेक्टेड वैलेट का एड्रेस भी यहाँ पे दे रखा है। अब आपकी वैलेट में कितना कितना बैलेंस है, पीवीसी बैलेंस कितना है, यहाँ पे 2 टोकन जो है पीवीसी मेटा का बैलेंस दिखा रहा है, ये बीयूएसडी का बैलेंस और ये बीएनबी का बैलेंस। या गाइस, तो जो भी आपका पीवीसी बैलेंस, बीयूएसडी बैलेंस, बीएनबी बैलेंस है वो यहाँ पे शो करेगा। अब आइए मैं चलता हूँ मेन मुद्दे पे। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पिन बनाना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये सिस्टम ने दिया भी है ये पिन कैसे बनाना है। मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सिस्टम ने दिया है क्रिएट पिन टू सिक्योर योर अकाउंट। आपके अकाउंट को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए, ताकि कोई इसको हैक ना कर पाए, इसलिए सिस्टम ने इसके लिए भी जो है 6 डिजिट का पिन बनाने के लिए आपको ऑप्शन दे दिया है। और आप ये पिन यहाँ पे बनाएंगे और पिन बना के अपना इस पीवीसी मेटा के वैलेट को लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रोसेस टू क्रिएट पिन लॉगिन पिन पे क्लिक करना है। आइए मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लिक करने के बाद से आ रहा है बीएनबी स्मार्ट चैन, ठीक है। तो इसको आप लोग को जो है अप्रूव पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बीएनबी के स्मार्ट चैन से ही है। ट्रांजैक्शन सक्सेस, ओके, क्रिएट, थोड़ा सा वेट करेंगे, ओपन हो रहा है। अब देखिए,
अब यहाँ पे क्रिएट पिन में क्रिएट 6-digit PIN टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट SS, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 6-digit का पिन बनाना है। इसमें जो है न्यू पिन डालना है और इसमें कन्फर्म यानी उसी पिन को सेम इसमें भी डालना है। तो आप लोग इसमें अपने मनपसंद का अपने च्वाइस का पिन डालिए और पिन को नोट करके रखिए अपने डायरी में ताकि आप उसको भूले नहीं। तो आइए मैं इसको पिन डाल के दिखाता हूँ बना के। सो गाइस, अब मैं अपने च्वाइस का जो है पिन डाल दिया हूँ। दोनों में सेम पिन पड़ेगा, दोनों खानों में अलग अलग पिन नहीं पड़ेगा। और लास्ट में आपको इस सबमिट पे क्लिक कर देना है। यह गाइस ये सबमिट दिख रहा है, इस पे आपको पिन डालने के बाद से क्लिक कर देना है। ये मैं इस पे क्लिक कर दिया हूँ, अब वेट करते हैं क्या आता है लिख के। देखिए यहाँ पे देखिए योर लॉगिन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए योर लॉगिन पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली यानी जो मैंने पिन बनाया था क्रिएट किया था वो पिन सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब इस पिन को हमें यहाँ पे डालना है और यहाँ पे डाल के इस सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा वॉलेट ओपन होगा। आइए मैं अपना पिन डाल के और आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं अपना पिन इसमें डाल दिया हूँ, अब ये सबमिट वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा। अब वेट करते हैं, ओपन हो रहा है हमारा वॉलेट। अब ये देखिए अब हमारा वॉलेट जो है पिन से प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब जैसे पहले जो है ओपन होता था विदाउट पिन का, अभी वो पिन डालने के बाद से ओपन हो रहा है। और अभी इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1 PVC मेटा का जो है करंट रेट आप देख सकते हैं 4.24 जो है BUSD हो चुका है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सकता है सीड फंडिंग में हिस्सा लें और जितना जो है टोकन हो सकता है बाय ज़रूर करें। और यहाँ पे आपकी जो है टोटल स्टैकिंग आपके स्टॉक में कितना है वो देख सकते हैं, कितना रिलीज हो चुका है, कितना जो है आप विड्रॉल कर चुके हैं और अवेलेबल बैलेंस कितना है, सब कुछ शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे आप मैक्सिमम एक बार में कितना जो है विड्रॉल कर सकते हैं, कितना जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 PVC मेटा को एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यानी कि यहाँ से विड्रॉल करके अपने जो PVC मेटा का आपका वॉलेट है वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। जी है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये न्यू अपडेट के रिगार्डिंग जो वीडियो में बनाया कि अपना PVC मेटा वॉलेट को लॉगिन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीके समझाने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आया होगा। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने टीम में शेयर करें, जो भी भाई नए हैं उनको बताएं कि कैसे लॉगिन करना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लें। सो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर और अपना साथ साथ ख्याल भी रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।